गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, कविताओं से एक्सट्रैक्ट उद्धरण। ये जो एक्सट्रैक्ट है क्लास 12th माई मदर एट 66 से लिया गया है। आइए देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहले हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, अपने माता पिता के घर से कोचीन की ओर पिछले शुक्रवार को ड्राइविंग करते समय मॉर्निंग सुबह आई सा माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में थी। दोज ऊँग रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, उनका चेहरा राख जैसा था। लाइक दैट ऑफ ए कोर्स, वो लग रहा था जैसे वह एक शव हो। एंड रियलाइज विथ पेन, और मैंने एक कष्ट अनुभव किया। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून, कि वह उतनी बूढ़ी है कि अब उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, परंतु जल्दी ही। ऐसे देख लेते हैं एक बार और एक्सट्रैक्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ पिछले शुक्रवार को ड्राइविंग करते समय मॉर्निंग सुबह के समय आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में थी। डोज ऊँघ रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उनका चेहरा राख जैसा था, लगता रहा जैसे वह एक शव हो। एंड रियलाइज विथ पेन, और मैंने यह विचार जब मेरे मन में आया कि मेरी माँ मुझसे कभी भी अलग हो सकती हैं, तो मुझे अपने बचपन का जो दुख है वह याद आ गया। दैट सी वाज एस ओल्ड एस सी लुक्ड, वे इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, बट सून, परंतु जल्दी ही। ये था एक्सट्रैक्ट। इसके हम देख रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसमें कौन से दिन का वर्णन है। विच, देखो इसमें था ना लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। आंसर है मंडे। ध्यान दें कि यहाँ मंडे नहीं है, यहाँ है फ्राइडे। यहाँ पर क्या है, फ्राइडे है, तो यह गलती से लिखा है, ध्यान दें इसको। इसे आपको मंडे को काट देना है, क्या लिख देना है, फ्राइडे, एफ आर आई, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे है जी। फ्राइडे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट है ऊपर उसमें फ्राइडे का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, इस पोयम के स्पीकर के बगल में कौन बैठा है। हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, आंसर है हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, इस पोयम के स्पीकर के बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का अपोजिट क्या है। लेट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का जो अपोजिट है वो है लेट। एक बार फिर से देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट आप ए कोर्स, एंड रियलाइज विथ पेन दैट सी वाज एस ओल्ड एस सी लुक्ड बट सून। क्वेश्चन 1 है, विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, फ्राइडे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, लेट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून। तो ये थे माई मदर एट 66 का एक एक्सट्रैक्ट और उस पर कुछ क्वेश्चन और उनके उत्तर भी। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।